नमस्ते, मैं हूं नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रू योग में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए रोज़ नई वीडियो बना सकूं, नए नए टॉपिक पे बना सकूं जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी स्लीप के बारे में। हम सोते तो हैं, क्या हम क्वालिटी स्लीप लेते हैं जो हमारी बॉडी हमारे माइंड को चाहिए होती है? इतनी बिजी इतनी फास्ट लाइफ के बाद अगर जब हम बेड पे जाते हैं तो हम बेड पे तो होते हैं 7 to 8 hours, लेकिन क्या हम वो स्लीप ले पाते हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक से स्ट्रेच बताऊंगी जिन इन स्ट्रेचों को आप सोने से पहले अपने बेड में ही कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो आप सोते हैं उस स्लीप में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आप एक बेटर स्लीप ले पाएंगे। नॉर्मली हम जब अब उठते हैं तो हमें एक एनर्जी फील नहीं होती है, हमें लो सा फील होता है, हमें लगता है कि हम कितने थके हुए हैं, थोड़ा सा और सो जाएँ, थोड़ा सा और रेस्ट ले लें। जबकि अगर हम थोड़ा सा अगर हम 5 to 6 hours भी सोते हैं तो हमें एक ऐसी अगर वो हमारी स्लीप क्वालिटी स्लीप है तो उसके बाद हमारी बॉडी में एक एनर्जी होगी। हम जब सुबह उठेंगे तो एक एनर्जी के साथ एक फ्रेश अपनी ब्रीथ लेते हुए उठेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअली हमारी जो मॉर्निंग है वो एक फ्रेश मॉर्निंग हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक से स्ट्रेच जिसको आप बेड पे कर सकते हैं और सोने से पहले ही कर सकते हैं। खाने के से थोड़ा सा गैप देके खाने के तुरंत बाद बेड पे ना जाएं। खाने के बाद आप वज्रासन में बैठे, वज्रासन से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वॉक कर ले खाने के थोड़ी देर बाद जब आप बेड पे जाते हैं, तब ये नॉर्मल जो आप मैं आपको बेसिक से स्ट्रेच बता रही हूँ हम ये कर सकते हैं, जिससे हमें पूरी दिन की जो हमारी थकान है वो भी कम हो जाएगी। और आप जब सोएंगे तो पहले की जो आपकी नींद थी और जो इसके स्ट्रेच अपनी पूरी बॉडी को करके आप जब सोएंगे तो आप खुद उसमें डिफरेंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने शोल्डर अपने नेक से। पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होता है वो हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा जो आता है हमारी नेक पे और हमारे शोल्डर पे आता है। अगर हमारे शोल्डर और हमारे नेक रिलैक्स हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी में रिलैक्स फील होता है, पूरी बॉडी अच्छा फील करती है। तो सबसे पहले हम अपने नेक से स्टार्ट करते हैं। दो से तीन ब्रीथ तक हम होल्ड करेंगे एक साइड पूरा स्ट्रेच करके, ब्रीथिंग नॉर्मल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, पहले हाथों को इस तरीके से ग्रिप करके थोड़ा सा स्ट्रेच राइट साइड लेफ्ट साइड। शोल्डर को इस तरीके से मूव करेंगे पहले क्लॉकवाइज 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे, इससे हमारे जो शोल्डर है वो रिलैक्स हो जाएंगे। राइट पैर को पूरा स्ट्रेच करके अपने लेफ्ट पैर को पास अपने दूसरे थाई के पास लाके हाथों से अपने पैर को ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। बॉडी पूरी आपकी जो बैक है वो इस पूरी स्ट्रेट रहेगी, जिससे वो इससे आपका जो स्ट्रेच आएगा आपकी थाई पे और आपकी जो काफ मसल है वहाँ पे आएगा। इससे आपकी जो पूरी लेग्स हैं पूरा आपके जो पूरे लेग रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप राइट कर लीजिए, देन इसको वापस लाके सेम लेफ्ट लेग अगर आप पूरा नहीं भी जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इतना भी कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से धीरे धीरे जाइए, सीधा धीरे करिए। अगर आप यहाँ भी हैं तो भी फाइन, और
अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के उससे आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। ये जो आपको स्ट्रेच फील होगा, पूरी आपके काफ मसल, आपके जो थाई की जो मसल्स है और आपकी जो बैक मसल्स है, वहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। अब थोड़ा सा हम अपनी बैक को रिलैक्स कर लेते हैं। बैक को रिलैक्स करने के लिए हम इस तरीके से लेट जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप, इस तरीके से फोल्ड करके पैरों में थोड़ा सा गैप, हाथों को इस तरीके से रख के, इससे जो हमारा हमारी जो बैक है और पूरी रिलैक्स हो जाएगी, हमारी थाई पूरी रिलैक्स हो जाएंगी। आप यहाँ पे 5 ब्रीथ तक रुक सकते हैं। रिलैक्स, हम एक बार और करेंगे, सेम 5 ब्रीथ तक होल्ड। रिलैक्स, अब राइट साइड करवट लेके, या लेफ्ट साइड, जो जिस साइड भी आप हैं, हमेशा करवट लेके उठिए। अभी हम थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाएंगे 5 या 10 ब्रीथ के लिए। ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और प्लस हमारी जो बैक है, हमारी जो थाई है, हमारी जो हील्स है, उसको रिलैक्स करेगा। 5 ब्रीथ तक एक्टिव ब्रीथिंग। ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। फिर यहीं से हम हाथों की, मैं आपको अपोजिट साइड से दिखाती हूँ जिससे आप अच्छे से देख सकें, हाथों की हाथों से वॉक करते हुए हम बाल आसन चले जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 10 ब्रीथ तक होल्ड करेंगे। ये आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर देगा, माइंड रिलैक्स कर देगा, आप बहुत ही रिलैक्स और काम फील करेंगे। धीरे धीरे जिस तरीके से हम गए हैं, सेम उसी तरीके से हम वापस आएंगे। तो आप अगर इस तरीके से अपने बेड पे सोने से पहले बस 5 मिनट अपने लिए निकाल के अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और जो आप देखेंगे, जो आप नॉर्मली सोते हैं, जो आपकी नींद होती है, आपको उससे अच्छी नींद आएगी, बॉडी में थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाएगी और आपका माइंड अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। जो आपकी टेंशन रहती है, जो हमारे पूरे दिन में हम जो काम करते हैं उसकी जो टेंशन रहती है, सारी बातें चलती रहती हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, जो भी हमारी जो लाइफ में जो चीज़ें हुई होती हैं वो पूरा माइंड में चलती रहती है। लेकिन जब हम ये स्ट्रेच करते हैं पूरी बॉडी को, और लास्ट में जो हमने बाल आसन किया था उससे हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और हम उसके बाद पूरा रिलैक्स फील करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।